अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज हम आपके लिए एक और ज़बरदस्त डिश लेके आए। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है टैंक शेक होता है, या टैंक शरबत नहीं कहा जाता, शेक कहा जाता है उसको। जैसे आपने देखा होगा अक्सर किसी फूड स्ट्रीट में रेडी पे बड़े से पतीले में बना के खड़े होते हैं, वही तरीकाकार हम बता रहे हैं आज आपको। घर में आप बना सकते हैं बहुत ही ईजी, और जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो तो बेसिकली कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो रमज़ान चल रहे हैं। रमज़ान के बाद तो ये गर्मियों का सीज़न शुरू होगा, तो ये गर्मियों की बहुत सी अच्छी ड्रिंक है ये। तो चलें हम शुरू करते हैं, बनाते हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट, यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर चार चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पर चीनी चाहिए। चीनी हमने ली है 250 ग्राम। और उसके बाद हमने लिया है टैंक, मैंगो फ्लेवर में है तो हम बना भी रहे हैं। मैंगो फ्लेवर में ज़्यादातर जो चलता है मैंगो और ऑरेंज ही चलता है, तो ये भी हम लेंगे हसबे ज़रूरत। मैं आपको बता दूंगा 2 से 3 या 4-5 टेबल स्पून डालेंगे हम जो बनाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जरदा कलर, यानी कि जो ऑरेंज कलर भी कहा जाता है इसको, येलो भी, ऑरेंज येलो कलर है ये देखें। ऑरेंज येलो कलर होता है, पीला होता है ये देखें, इस तरीके का है। बैक साइड में थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, जब हम ये इस तरीके का मैच करेगा बिल्कुल, तो ये भी हमारे पास हसबे ज़रूरत है, हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है दूध, खालिस दूध है, हमने इसको बॉयल करके गरम करके उसके बाद ठंडा करके रखा हुआ, ये है हमारे पास 1/2 लीटर। सबसे पहले जो तरीकाकार है, जितने भी रेडी वाले होते हैं सबका तरीकाकार यही होता है, असेंस इस्तेमाल करते हैं और कलर इस्तेमाल करते हैं। दो चीज़ें लाजमी वो इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ड्रिंक में चले जाएं, किसी भी कलर में, किसी भी फ्लेवर में चले जाएंगे तो ये लाजमी बनाते हैं। तरीकाकार हमारा क्या है कि हमने पहले यहाँ पे डालनी है सबसे पहले चीनी, आपने इसमें डालना है पानी, क्योंकि हम सिरप बना रहे हैं, शरबत जो होता है वो रेडी कर रहे हैं। चीनी के बाद आपने जो टैंक है वो डालना है। टैंक हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जो हमारे पास यहाँ पे है वो डालेंगे हम। हम जो बना रहे हैं थोड़ा सी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए मैंने तकरीबन इसमें 1/2 चम्मच डाला है, इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हमने करना है इसको मिक्स अच्छे तरीके से। आपने इसमें साथ में ही डाल देना है जो फूड कलर है हमारा, येलो ऑरेंज कलर था जो, वो भी हम इसी में ऐड कर देते हैं हल्का सा, डायरेक्ट इसी में डाल देते हैं क्योंकि अभी बॉयल नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा ठंडा है ये, ठंडे में ही आपने कलर डालना है इसमें और इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये कलर होता है रेडी वाले जो बना के खड़े होते हैं, यही मिक्सर होता है सब। हमारा ये जो शीरा है तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। और एक चीज़ और बताता चलूँ मैं आपको, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वीडियो में शो नहीं कर सकते, बता नहीं सकते आप लोगों को, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम या बहुत से मसले आ जाते हैं इसीलिए। तो जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, अबाउट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से व्हाट्सअप पे मुझे डायरेक्टली पाकिस्तान में जो हैं वो कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा जो बाहर हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शो नहीं कर सकते, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये चीज़ हमारी जो है रेडी हो चुकी है, तो हम इसको हम निकाल के डिश आउट और इसको हम डिश में निकाल के बर्तन में एक में रख देते हैं, तो ये ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, शीरा है ये ठंडा होने में टाइम लेता है। ये देखिए हमने इस बर्तन में निकाला है, इसको रख देते हैं, ठंडा होने के बाद बनाएंगे क्योंकि अभी ये गर्म है। अगर गर्म भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन आपकी बर्फ़ ज़्यादा एक्स्ट्रा जाएगी, चीनी ज़्यादा एक्स्ट्रा जाएगी, तो बेहतर है हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो ठंडा होने के बाद मिलते हैं। हमारा जो हमने शीरा बनाया था वो ठंडा हो चुका है यहाँ पर, तो हम बनाते हैं ड्रिंक जो है उसको। उसके लिए चाहिए हमें एक बड़ा सारा बर्तन। बर्तन में सबसे पहले आपने डालना है हमारा जो हमने शीरा बना के रखा था सब ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने डालना है इसमें दूध, बाद बहुत सारी इसमें बर्फ, फिर हमने इसको करना है मिक्स अच्छे तरीके से, हिलाना है। ये देखें अच्छे तरीके से हल हो जाने के बाद, ये देखें
वाकया वही बना है या नहीं, ये आपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। पकड़ पीछा बस। आज की हमारी टैंक ड्रिंक जो है वो तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त लाजवाब और टेस्टी बनी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना आपने। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।